नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और शाम के जो कि 5 बज गए हैं और इस समय बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो हमारे खेत में जो कि गर्मी वाला उतैले का दाल लगाया गया है और उतैले का दाल जो कि तैयार हो गया है। और चलते हैं खेत से उतैले का दाल लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं उतैले के दाल का पराठा, जिसको गाँव में कचौड़ी भी बोलते हैं। तो चलते हैं, कच्चे दाल को लेते हैं और उसका पराठा एकदम ज़बरदस्त बनाते हैं। इधर देखिए, पूरा उतैले का दाल लगाया गया था। बहुत सा दाल जो है देखिए काला काला हो गया है, ये पक गया है, तैयार हो गया था, इसको हम लोग रख लिया स्टोर करके। देखिए जो हरा है वो कच्चा है, तो इसी का जो कि हम बनाएंगे पराठा। तो दाल को हम तोड़ लेते इस तरीके से। पहले देखिए लंबे लंबे दाल है, इसमें देखिए दाने पड़े हैं, देखिए खोल के दिखाते। देखिए इसका जो पराठा बनता है, कचौड़ी बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो पहले हमें हरा जितना दिख रहा सारा तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेते हैं। तो इधर देखिए काफ़ी सारा जो कि दाल तोड़ लिया हमने, और चलते हैं आगे, चलते हैं। बहुत सारा उतैला लगा हुआ है, तो इधर काफ़ी सारा देखिए उतैला लगा है, काफ़ी सारा घास भी इसमें हो गया है। इसमें भी देखिए उतैला जो कि तैयार हो गया है, वो देख देख के जो है तोड़ लेंगे। तो ये देखिए इसमें जो कि कम इस बार उतैला हुआ है, और उधर देखिए ज़्यादा हुआ, उधर चलते हैं सही। तो उतैले का दाल देखिए हमने सूखा और हरा दोनों तोड़ लिया है, काफ़ी सारा हमने तोड़ लिया है। अब इसको लेके चलते हैं, जो सूखा रहेगा उसको हम इसका दाना जो है दाल बना लेंगे, जो हरा इसी का बनाएंगे हम पराठा। तो चलते हैं इसको लेके। उतैले का दाल देखिए तोड़ के यहाँ पे ले आए हैं, और जो हरा उतैले का दाल है उसी को छीलेंगे। इसके दाने देखिए कितने हरे दिख रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। जो सूखा वाला है इसको नहीं, इसको और सूखा के इसका दाल बना लेंगे। उतैले का दाल था देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा इसको छील लिया है, और इसके दाने देखिए कुछ हरे हैं और कुछ काले दिख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जितना हमें पराठा और कचौड़ी बनाना है तो उसके हिसाब से मैंने छील लिया। इसको रख देते हैं साइड, और इसको रखते हैं सूखने के लिए। इसका दाल बना के स्टोव पे रख लिया जाएगा, फिर इसको पानी में भिगो के अगर कुछ बनाना होता है तो उतैले का दाल का बनता है गाँव में, इसको साइड कर देते हैं। और इस दाल को चलते हैं धो लेते हैं साफ पानी से। तो दाल देखिए जो छीला था हमने, इसको साफ पानी से धो लेते हैं। तो दाल देखिए धो लिया हमने, इसको सिलबट्टे में देखिए थोड़ा सा हम दरदराएंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदराई पीसेंगे। इसके साथ देखिए लहसुन और हरा मिर्चा लिया है 4-5, इसको भी पीस लेते हैं इसके साथ। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। इसमें थोड़ा जीरा भी डाल देते हैं, तो जीरा भी पीसेंगे। तो थोड़ा सा इसमें देखिए हींग डाल देते हैं। हींग डालने के बाद देखिए सबको हम पीस लेंगे एक ही साथ। तो दाल को दरदरा पीसते हुए बाकी जो लहसुन हमने डाला है, हरा मिर्चा, जीरा, हींग सबको पीस लेंगे। तो दाल को देखिए यहाँ पे हमने पीस लिया है, इसको उठा लेंगे थाली में। और जीरा जो मैंने हींग इसमें पीसा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये पराठे और कचौड़ी दोनों काम करता है। तो दाल हमने पीस लिया है, यहाँ पे देखिए हमने गेहूँ का आटा लिया है, इसको गूँथ लेते हैं पानी डालकर। तो थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथेंगे। तो दाल जो हमने पीसा था देखिए, इसमें मिला देंगे हम नमक। तो नमक टेस्ट अनुसार डाल देते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। बाकी तो हमने हरा मिर्च पीसा है, उसको देखिए अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो चूल्हे में देखिए इनको जला दिया, रख दिया तावा, इसी पे हम बनाएंगे तवे पे ही। इधर जो मैंने आटा गूंथा था, तो आटा हमारे अच्छे से गूंथा गया है, थोड़ा सा पैथन लिया, थोड़ा सा इसमें देखिए लोई लेंगे। तो आटा हमें जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से गूंथना है। तो इसको देखिए गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा इसको चिपटा कर लेंगे, और कटोरी जैसा बना लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। तो इसको देखिए यहाँ पे कटोरी जैसा मैंने बना लिया है, और जो मैंने दाल पीसा है उतैले का, सब कुछ जो मिला है इसमें हम स्टफिंग को रखेंगे, और दबाते हुए इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे इसका मुंह। तो ये एकदम हरे और कच्चे दाल का हम बना रहे हैं। चाहे तो आप उतैले का दाल जो मार्केट में मिलता है सूखा हुआ, उसको भिगो के बना सकते हैं इसी तरीके से पीस कर। अब देखिए इसको हम इस तरीके से मुँह बंद करके दबा देंगे, और थोड़ा सा पैथन लगा देंगे इसमें, और थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसको फैला लेंगे कि बेलने में हमें आसानी रहे। इसको देखिए चौकी पर रखेंगे और हल्के हाथों से थोड़ा बेल लेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें पैथन लगा लेते हैं। तो हल्के हाथों से देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको तवे पर डाल देते हैं, तवा हमारा गर्म हो गया है। ऐसे ही हम और स्टफिंग को भर के बना लेते हैं। तो एक तरफ से देखिए लाल होगा तो उसको पलट देंगे, और ऐसे ही देखिए हमने कटोरी जैसा इसको बना लिया। स्टफिंग जो हमने
तले का दाल पीसा है, इसी में भरते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और इसको देखिए, इसका मुंह बंद कर लेते हैं इस तरीके से, अच्छे से इसको दबा देंगे कि खुले ना, और चिपटा कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको हम बेल लेंगे। और इधर जो तवे पे का हमारा लाल हो गया थोड़ा, इस पर हम तेल लगा लेते हैं। इसको देखिए पलट के भी तेल लगा लेंगे। इधर देखिए हमारा बढ़िया है, देखिए पराठा सिका गया है। अब इसको हम थाली में उतार लेते हैं, अच्छे से लाल कर लिया हमने इसको। इसका कलर भी देखिए पराठे का चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन। तो इसको हम थाली पर रखते हैं। तो ऐसे ही देखिए पराठे में तेल लगाते हुए सेक लेंगे दोनों तरफ से, और बाकी जो बचा है ऐसे ही बेल कर हम बना लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से फूल भी रहा है। तो उतैले का दाल का देखिए पराठा बनकर रेडी हो गया है, और जो थोड़ा बहुत है वो बना ले रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम कच्चे दाल का ताज़ा पराठा बनता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और इसको गांव में लोग कचौड़ी बोलते हैं, तो ऐसे तो पराठा कचौड़ी दोनों काम करता है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो साथ में चटनी के साथ और दही के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना कच्चे दाल का पराठा, तो ये खाने में सच में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।